Welcome students in NCERT online class. I am Mithun Sarkar, your online teacher, and I always come with these types of educational video related to your subject contents. So stay with your teacher. Student, last class we discussed some portion from our sector. What is cooking? It is related identification and observation competency. And today we also discuss again identification and observation competencies together, and I write here be able to know about different cooking methods. Student, you know that we have different cooking methods. That means what is the method that we can use for cooking food. Okay, so let's start. Student, I write here first question, write some common methods of cooking food. Cooking method is different types, but some of the methods are common that we need to write here. Okay, let's write the answer with me. Always start the answer from question. That is a good habit. Okay. We can start like this. Some common methods of cooking foods are, okay, at first we can write boiling, then frying, then steaming, roasting, then grilling, then baking. Actually, cooking method is more like that's deep fry, okay, then slow fry, but we can use this one is common. Okay, so note down it. Next portion we will discuss the methods of different types of or kinds of foods. यहाँ पे हम लोग एक एक करके मेथड लिखेंगे और यहाँ पे फूड आइटम्स लिखेंगे और बच्चे इसको पिक्चर के साथ साथ याद करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें ये समझना भी अच्छा होगा जब कौन सा इस तरह से काम होता है मेथड्स. ओके, नोट डाउन इट. This is very important portion from all these chapters. So let's write the portion number 2. Portion number 2 is write different methods to cook different kinds of food. Write different methods to cook different kinds of foods. अभी हम लोग दो एक्सेप्ट नहीं होगा. हम लोग यहाँ पे मेथड लिखेंगे. ये जो मेथड मैंने यहाँ लिखा ये लिखेंगे करके और इसके साथ इस मेथड के साथ कौन सा खाना हम लोग पकाते हैं बनाते हैं उसको लीड बनाएंगे और वो पिक्चर के साथ साथ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. तुम उसको अच्छी तरह से याद करना. तो चलो इसको भी आंसर शुरू करते हैं. पहले इसको इधर एक ऐसे लिख लो मेथड्स देन इसमें ऐसे एक डिवाइड बनाओ और यहां पे लिखो फूड आइटम्स. तुम इसको जल्दी में लिख लेना मेरे साथ क्योंकि मिटाना पड़ेगा. ओके,
चलो तो एक नंबर में लिख लेते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग मींस पानी को उबल के खाना बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है राइस, जब राइस मम्मी खाना पकाते तो हम देख सकते हो पानी उसके अंदर रहता है आटी में, तो उसमें बॉइल होता है। देन हम लोग एग को फ्राई करके भी खाना खा सकते हैं और बॉइलिंग करके भी खा सकते हैं। देन मिल्क, ओके। तो और भी खाना है जो बॉइलिंग से होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, ओके। मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ एग्जांपल लिखा है फूड आइटम्स जो हम लोग बॉइलिंग से बनाते हैं खाना। चलो दो नंबर लिख लेते हैं, दो नंबर क्या लिखा था ऊपर, फ्राई, इसको भी नोट डाउन करो। फ्राइड से सबसे पहले आता है फिश, देन सीप्स, जो सीप्स होता है पोटैटो चिप्स हो सकते हैं, देन डिफरेंट सीप्स भी हो सकते हो, हम लोग फ्राई करते हैं, कभी कभी हम लोग पोटैटो ऐसे भी फ्राई करके खाते हैं। देन अगर तुम इधर लिखोगे ओनियन रिंग्स, ओनियन का ऐसे कट कट के जो फ्राई होता है उसको ओनियन रिंग्स कहते हैं, ये हम लोग फ्राई करके खाते हैं। तो मैंने इधर सिर्फ तीन लिखा है, लेकिन तुम और भी ज्यादा लिख सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेजो, ओके, मुझे अच्छा लगेगा। स्टूडेंट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग मिटा के दूसरा लिखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर्स एंड प्रीवियसली आई टेक अनदर टू क्लासेस फ्रॉम दिस चैप्टर, सो इफ यू मिस यू कैन नोट डाउन, यू कैन वॉच दैट क्लास ऑल्सो, गो टू माई चैनल, देन देयर इज प्ले लिस्ट क्लास थ्री ईवीएस, यू फाइंड आउट इट एंड देन यू वॉच ऑल ऑफ द ईवीएस क्लास, ओके ओके स्टूडेंट, आई होप यू नोट डाउन द फर्स्ट टू वंस एंड डोंट वरी इफ यू कैंट नोट डाउन विथ मी, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड नोट डाउन। एक्चुअली स्कूल में हमारा 40 मिनट्स का क्लास होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा लंबा इधर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी में लिखा रहा हूं, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे लिखते रहो और बार बार इसको देख भी सकते हो। तीन नंबर में हम क्या लिखा है, स्टीमिंग, ओके, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, स्टीमिंग मीन्स वाष्प। स्टीमिंग से सबसे पहले जो खाना होता है तुम अच्छी तरह से उसको बहुत पसंद करते हुए है मोमो, हम लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चिकन मोमो होता है, वेजिटेबल मोमो होता है, ठीक है। देन इडली, हम लोग इडली खाना भी पसंद करते हैं, खा भी सकते हैं। देन इससे और बनता है बांग, जो ऐसे रोटी होता है वो स्टीम से बनता है, लेकिन घर में जो रोटी होता है वो रोटी नहीं, ठीक है। तो मैंने इधर तीन लिखा है, तुम और भी ज्यादा लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो चार नंबर लिख लेते हैं, चार नंबर मैंने क्या लिखा था, रोस्टिंग, रोस्टिंग मीन्स आग में जला के कुछ बनाना, ठीक है। तुम जब कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो चिकन रोस्ट मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले चलो इसको ही लिख लेते हैं, चिकन, ज्यादा से ज्यादा चिकन ही रोस्ट होता है, उसके बाद कभी कभी मीट भी होता है, तो चलो मीट को भी लिखते हैं, ओके। देन सॉस होता है, टोस्ट होता है, टोस्ट, अच्छा, देन स्टू होता है, ये सब रोस्ट से बनता है। चलो मैंने चार लिखा है, उसके बाद सॉस भी रोस्ट से बनता है, नोट डाउन करो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ज्यादा नहीं है और दो है, जल्दी में इसको खत्म करूंगा। ओके एक्चुअली ये पोर्शन मैंने पहले इधर रखा है क्योंकि तुम इसके साथ साथ इसको याद कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं उसको। और साथ में जो पिक्चर में दे रहा हूं तुम उसको देख देख के इसको याद करो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जल्दी याद होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू नोट डाउन दिस वन ऑल्सो, सो आई कैन राइट द नंबर थ्री। चलो चार नंबर थोड़ा सा लिख रख देते उसके बाद मिटा देंगे। पास नंबर में नंबर फाइव में हम लोग लिख सकते हैं ग्रिलिंग। ओके ग्रिलिंग्स मीन्स कोई भी खाना, जैसे कॉर्न होता है, पहले हम लोग भुट्टा खाना पसंद करते हैं, कॉर्न उसको लिख सकते हैं, वो आग में ग्रेट कच्चा जलाते हैं, ग्रिलिंग से हम लोग ये खाना खाते हैं। देन डिफरेंट स्मॉल फिश मीट, स्मॉल फिश हम लोग ग्रिलिंग से बना सकते हैं। देन चिकन चॉप होता है वो हम लोग ग्रिलिंग से बनाते हैं। देन मीट का भी कुछ रेसिपी होता है जो हम लोग ग्रिलिंग से बनाते हैं। चलो मैंने तीन लिखा है, तुम और भी ज्यादा लिख के मुझे भेज सकते हो स्टूडेंट। चलो इसको भी मिटाते हैं तो हमारा एक क्लास इधर खत्म होगा। चलो नंबर सिक्स हम लिखे थे बेकिंग। बेकिंग के बारे में याद होगा तो सबसे पहले हमारा खाना याद आता है बिस्किट्स। सारे के सारे जो बिस्किट्स होता है ये बेकिंग मेथड से बनता है। देन केक, हमारा घर का केक जो बनता है, नहीं तो जो केक तुम्हें खरीद के हम लोग खाते हैं सब बेकिंग से ही बनता है ज्यादा से ज्यादा। देन कुकीज हम लोग बहुत पसंद करते हैं, कुकीज भी बेकिंग से बनता है। और भी कुछ खाना है जो बेकिंग से बनता है, तुम मैं चाहता हूं तुम उसको भी कमेंट में मुझे लिख लिख के बताओ, ठीक है, नोट डाउन करो एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू नोट डाउन टू क्वेश्चन प्रॉपरली, एंड व्हेन यू राइट इट यू ऑल्सो रीड इट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई इट विल बी रिमेम्बर वेरी इजिली इन योर माइंड। ओके तो टुडेज टू क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू।